पहले मैं आप सब लोगों से ना दिवाली की बहुत 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 बधाइयां देती हूँ। हम यूँ आज दिवाली है, आज के दिन हम बहुत खुश रहते हैं, आपस में मिलजुल के बांटते हैं। और आप लोगों को भी मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ, आप भी खुश रहो। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए ना हमारा प्रेम मिनिस्टर जी सोच रहे हैं, तो कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। 70 साल के बाद हम ये सोच रहे कि हमारे नौजवान बेरोजगार ना रहे। 370 हटने के बाद ये पहली दिवाली हम खुशी से मना रहे हैं, हम सारे लोग खुश हैं। जैसे हिंदू हमारे ना ईद में शामिल हो जाते हैं हमारी खुशियों में, तो ऐसे हम लोग भी इनकी खुशियों में शामिल हो जाते हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि आपस में मिलजुल के रहना। मैंने पहले भी बोला है कि जम्मू कश्मीर एक ऐसा गुलदस्ता है कि हमारी पहचान इतनी अच्छी है कि हम लोग दूर दूर से ये बोलते हैं कि ये लोग जम्मू कश्मीर के हैं, कि हम मिलजुल के रहते हैं। हमारे यहाँ पे कभी भी ना भेदभाव नहीं होता है, हमारे आपस में कभी झगड़े नहीं होते हैं। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमेशा इकट्ठे रहे हैं। इंशाल्लाह मैं आज दिवाली पे दुआ करती हूँ, रब से मांगती हूँ हम हमेशा ऐसे ही इकट्ठे होके हमेशा बनाए रहे हमारा साथ। हमारा जब नहरा ही एक है, सबका साथ सबका विकास, ये हमारा नहरा इसलिए है क्योंकि हम हिंदू मुस्लिम ईसाई सारे हम इकट्ठे रहते हैं, हमारे आपस में कोई भेदभाव नहीं है। तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि जब हमारी ईद होती है, मेरी फ्रेंड काफ़ी हिंदू है मेरी फ्रेंड, तो वो मेरे घर में खुद ही खाना बनाते हैं ईद के दिन तो स्पेशली। तो हम आपस में हमेशा से इकट्ठे रहे हैं और दुआ मांगती हूँ रब से कि हमेशा से हमारा ऐसा ही साथ बना रहे, क्योंकि ये गुलदस्ता है, हमारे गुलदस्ते को किसी की नज़र ना लगे, हमारा गुलदस्ता ना टूट जाए। बिल्कुल उनके लिए ना मोदी जी इतना अच्छा प्रेम मिनिस्टर हैं, तो ये आप लोगों ने देख ही लिया है। धीरे धीरे तो आपने ये भी देखा कि उसने हाल ही में बोला है कि मैं कश्मीर में कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के जवान जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार मिल जाए। तो जाहिर सी बात है कि मोदी जी ने कुछ सोच के ये ऐसा बोला हो।